जब भी मुझे टाइम मिलती है आप लोगों को टूर पे ले आता हूँ, यानी कि कुछ नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं हूँ गया में और मेरे पीछे आप देख रहे हो बहुत बड़ा एक मंदिर है, देख सकते हो ऊपर में एक सोने की झंडा लगी हुई है, उसके बारे में विस्तृत बातें मैं करूँगा। तो फिलहाल सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जगह कौन सी है। तो ये जगह बिहार की गया ज़िले की है, जहाँ पे एक बहुत प्राचीन और प्रचलित मंदिर है जिसे विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। ये गया रेलवे स्टेशन से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है और जिनकी परिजन में मृत्यु हो जाती है उनके परिवार वाले लोग यहाँ पे आते हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हो एक मंडप टाइप का बना हुआ है, देख सकते हो ये मंडप काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हो सके बारिश वारिश धूप धूप से बचने के लिए ऐसा बनाया गया होगा। अब चलते हैं उस ओर और देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या है। यहाँ की हरे हरे घासों में बैठकर आप शाम की सुंदर और खूबसूरत नज़ारों का दीदार कर सकते हो। तो इधर में देख सकते हो अलग अलग झंडे लगाए हुए हैं, रंग बिरंगे झंडे हैं जो हवाओं से काफ़ी अच्छी लहरती है। और उसके बगल में बहुत सारे पाइप हैं, यानी ये चिमनी भटिया है, यहाँ पे 1.5 बोरी जलाई जाती है। इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखें, काफ़ी डरावनी और मज़ेदार है। तो फिलहाल चलिए अभी पॉइंट में आते हैं और ये मंदिर की बात करते हैं। इसकी शिखर पे देखिए आप, चोटी पे देखिए एक सोने की झंडा लगी हुई है, काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर झंडा है जो 50 kg गोल्ड से बनाई गई है, जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। उसके नीचे आप झांकेंगे तो इधर हरी हरी फूलों की झाड़ियाँ लगाई गई है जो देखने में सुंदर और खुशबूदार है, इससे ताज़ी हवा बनी रहती है, सुगंधित हवा पूरी क्षेत्र में बिखरते रहती है। ये मंडप को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये काफ़ी पुराना है। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। ये मोटी मोटी दीवारें बयां करती है कि ये काफ़ी पुरानी है, जो इसे बचा कर रखा जा रहा है। तो फिलहाल अब डायरेक्ट मंदिर में प्रवेश करेंगे बिना लेट किए। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, हजारों लोग आते रहते हैं। बच्चों के लिए खिलौना बेची जा रही है, इधर फूल माला बहुत से टाइप के फल फूल बिक रहे हैं। इधर में शेड बनाए गए हैं, यानी पुराने जमाने टाइप के शेड हैं लेकिन काफ़ी सुंदर हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, राज घरानों जैसी फीलिंग आती है इसके अंदर जाने से। तो ये है टूरिस्ट के लिए और वही सीन है मंदिर की साइड में, साइड दिखेगी इधर, बीच में गेट है इसके अंदर जाना होगा। विष्णुपद वेदी का पोस्टर लगाया हुआ है, 2 साइड रास्ता है, इधर से अब भी आ सकते हो आप, इधर से भी आ सकते हो। इधर में भी दुकानें हैं तांबे की, सोने चांदी जैसे चमक रहे हैं, लग रहा है कि ये बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई है, आप यहां से ले सकते हैं। और इधर में छुनरी उनरी पूजा पाठ की सामग्री के लिए है, मंदिर में चढ़ावा के लिए है, आप चढ़ावा के लिए ले सकते हैं। विदाउट मास्क का एंट्री नहीं होगा, तो सबसे पहले मुझे अंदर जाने के लिए मास्क लगाना होगा, इसके बाद मैं अंदर की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अंदर में क्या क्या है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। बाहर साइड में देख सकते हो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं जो सब कुछ चेक कर करके अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं। तो हम भी चलते हैं, फिलहाल मास्क लगा लेते हैं। तो गाइज मास्क मैं लगा लिया हूँ, अब चलता हूँ अंदर की ओर। यहाँ पे क्या हो सर, हमारा अलाउड नहीं है।
कैमरा बंद कर दे, ऐसे फोटो वोटो नहीं खींचेंगे, रिकॉर्डिंग कर, कैमरा बंद कर दीजिए, कैदिन बंद कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए, बस अभी बंद कर दे। अंदर लेके नहीं जाना, ये नहीं चलेगा। कैमरा लेकर जाने की अनुमति नहीं मिली, यानी अंदर कैमरा अलाउड बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब दूसरे तरीका निकालते हैं भाई, किसी तरह वीडियो तो बनानी पड़ेगी। लेकिन ये लोग आराम से बैठे हुए थे, मुझे देखकर खड़े हो गए और मुझे रोकने लग गए कि कैमरा अंदर नहीं लेकर जाना है। तो कोई बात नहीं, मैं दर्शन करूंगा और आप लोग को सेक्रेट कैमरे के ज़रिए मंदिर की पूरा सीन दिखाऊंगा। तो वीडियो भी बने रहना, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मंदिर में घुसते ही आपको इस टाइप को देखने को मिलेंगे। ये साइड में मंदिर है, साफ़ सफाई की काम चल रही है फ़िलहाल। अभी हम लोग बाहर की नज़ारा देखते हैं, इसके बाद अंदर जाकर देखेंगे। तो बाहर साइड में यहाँ पे दीवारों पे बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ लगाई गई हैं, आप देख सकते हो। और ये एक मेटल डिटेक्टर मशीन लगाया गया है, इसके नीचे हम लोग जाते हैं, मंगला देवी की मूर्ति है। तो सबसे पहले उधर ही जाके हम लोग दर्शन करने वाले हैं, इसके बाद इस मंदिर में आएंगे और यहाँ की दर्शन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनाया गया है और यहाँ पे छोटे छोटे गलियाँ हैं, आप देख सकते हो। गली बिल्कुल शांत सुनसान है, यहाँ पे बहुत कुछ कुछ लोग आपको बैठे मिल जाएंगे, पूजा वूजा करते मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये साइड में नदी है भाई, इधर से आप देखोगे तो नदी इस टाइप की सीन है। इधर में कुछ महिलाएं आपको पूजा अर्चना करते मिल जाएंगे। यहाँ पे माता मंगला की मूर्ति है और इधर में भी एक मूर्ति है, यहाँ पे भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफ़ी पुरानी मूर्ति लग रही है, देखने से काफ़ी पुरानी लग रही है। तो गाइस चलते हैं अब वहीं पे, ये है विष्णुपद की मंदिर। तो फिलहाल इसमें हम लास्ट में जाएंगे और ये गुफा है, इसके अंदर अब हम घुसने वाले हैं। तो ये गुफा का आनंद लीजिए, काफ़ी डरावना फल यहाँ पे आपको बीतेगा। पूरी शांत इलाका है और अंधेरा भी है, चारों तरफ सुनसान है। और देख सकते हो इसके नीचे की जो फर्श है ना, वो पत्थरों की बनी हुई है, यानी यहाँ पे चट्टान था, इसे चट्टानों को फोड़ कर यहाँ पे बनाया गया है, गुफा बनाया गया है। काफ़ी डरावना पल यहाँ का होगा आपका, सबसे अलग फीलिंग होगी यहाँ की। बिल्कुल शांत है और आगे चलते हैं। इधर में एक वट वृक्ष दिख रहा है, शायद बहुत सारे लोग इसे पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इसके पीछे की भी कहानी बहुत लंबी है, फिलहाल इसका वीडियो मैं अलग से बनाकर दे दूंगा, जो सीता कुंड से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा वूजा के लिए आते हैं। इधर भी देख सकते हो आप, चारों तरफ की सीन देखो, काफ़ी डरावना पल यहाँ पे आपको महसूस होगा। इस शांत जगह में आप बैठकर जप ताप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। और ये देखो कितनी विशाल बरगद की पेड़ है, बहुत ऊंची है। और यहाँ पे एक है टाइम मशीन, जो बिना बैटरी बिना इलेक्ट्रिसिटी की चलती है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, काफ़ी विस्तार से बताया गया है कि ये काम कैसे करता है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो फ़िलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा।
मेन मंदिर में आप जैसे ही घुसोगे वहाँ पे आपको फर्स्ट में एक शिवलिंग दिखेगी, और अंदर जाएंगे तो आप एक चमचमाती चांदी की दरवाज़ा दिखेगी। ये चांदी की गेट है और इसी के अंदर में आप देख सकते हो बहुत सारे लोग पूजा वूजा कर रहे हैं। यानी बीच में जो चांदी की घेरा बनाई हुई है वो विष्णु भगवान की पैर का निशान है। यानी ऐसा कहा जाता है कि गया में एक राक्षस हुआ करता था गयासुर, जो जिसे ख़त्म करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने पैरों का इस्तेमाल किए थे, जिनका निशान आज भी यहाँ पे है। तो उसी की पूजा वूजा होती है। और ये सब देख सकते हो दीवारों में बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ पत्थर की लगाई गई है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। करीब से देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत और अचंभव सा प्रतिमा लगता है। तो ये सब वीडियो बिल्कुल सेक्रेट तरीके से बनाई गई है। फ़िलहाल वीडियो में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और बाहर साइड में आप जाएंगे तो बाहर साइड में आप देख सकते हैं पैर के निशान, यानी जो पदचिह बाहर भी बनाई गई है, जो पद का चिह होता है, निशान होता है। इधर शंकर भगवान के बहुत सारे शिवलिंग बनाए गए हैं, यहाँ पे भी पूजा अर्चना होती है, लेकिन मेन मंदिर अंदर थी, अंदर में ज़्यादा होती है। ये सब शिवलिंग बनाए गए हैं, बहुत सारे हैं, और आगे भी देख सकते हो उधर भी पूजा हो रही है। तो ये मंदिर की पीछे तरफ की जो सीन है वो इस तरह की है। और मंदिर में आप देख सकते हो जो पत्थर यूज की गई है वो काफ़ी मतलब यूनिक पत्थर है। शायद इसे मधुबनी और जयनगर इलाकों से लाया गया था, ऐसा हिस्ट्री में मेंशन है। तो मंदिर की डिज़ाइन भी काफ़ी अलग टाइप की है, ऐसा मैं कहीं देखा नहीं हूँ, शायद पहली बार देखने को ये मिल रहा है। तो ये इसकी बनावटी, इसके डिज़ाइन, इसकी महीन कारीगरी सबसे अलग करती है, जो अपनी प्राचीन और विख्यात है उसे प्रदर्शित करती है। अब ये साइड में लोग निकल रहे हैं पूजा कर करके, और पीछे साइड में गेट है, आप देख सकते हो रेलिंग लगाई हुई है, यानी लोग इधर बाहर जा रहे हैं। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।